जय श्री कृष्ण दोस्तों। 14वें दिन के रात्रि युद्ध समाप्त होने के बाद भगवान श्री कृष्ण कर्ण की शक्तियों का वर्णन अर्जुन से करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, महारथी कर्ण को इंद्र ने जो शक्ति दी थी उसे निष्फल करके घटोत्कच ने तेरे प्राणों की रक्षा की। जैसे रणभूमि में स्वर्णिम कार्तिक के सामने कोई पुरुष खड़ा नहीं हो सकता, वैसे ही कर्ण के पास जब तक वह शक्ति थी तब तक जगत का कोई भी पुरुष उसके सामने खड़ा नहीं हो सकता था। इंद्र ने कर्ण के कवच कुंडल हर लिए और घटोत्कच ने उसकी शक्ति को निष्फल कर दिया। यदि कर्ण कवच और कुंडलों के साथ लड़ने आता तो वे अकेला ही देवताओं सहित तीनों लोगों को जीत लेता। इंद्र, कुबेर, वरुण अथवा यमराज भी कर्ण के सामने खड़े नहीं हो सकते थे। अर्जुन, यदि कर्ण कवच और कुंडलों के साथ रणभूमि में आकर खड़ा हो जाता तो तू गांडी धनुष के साथ और मैं सुदर्शन चक्र के साथ भी कर्ण को नहीं हरा सकते थे। आज कर्ण के पास न तो कवच और कुंडल है न ही शक्ति, तो भी तेरे सिवा कोई दूजा मनुष्य उसको नहीं मार सकता। महारथी कर्ण ब्राह्मणों का भक्त है, सदा सत्य बोलता है, नित्य तपस्या करता है, व्रतों का पालन करता है तथा शत्रुओं के ऊपर भी दया करता है, इसलिए वह धर्मात्मा या वीरसा कहलाता है। यह महाभाव युद्ध करने में चतुर है, इसका धनुष नित्य तैयार रहता है। जैसे वन में केसर सिंह दहाड़ता है वैसे ही यह भी रणभूमि में गर्जना करता है और रण के मुहाने पर खड़ा होकर रथ रूपी सिंह को नाश कर डालता है। यदि देवता चारों ओर से बाणों की वर्षा करे तथा दैत्य चारों ओर से मांस तथा रुधिर की वर्षा करे तब भी वह कर्ण को नहीं जीत सकते। कर्ण को मारने का केवल एक ही उपाय है, युद्ध के समय जब इसके रथ का पहिया पृथ्वी में धस जाएगा उस समय यह व्यस्त तथा दुखी होगा, तब तो सावधान होकर मेरे किए गए संकेत अनुसार इसको मार डालना, क्योंकि कर्ण जिस समय शस्त्र उठाकर युद्ध के लिए खड़ा होगा उस समय यदि इंद्र भी हाथ में वज्र लेकर आए तो वह भी कर्ण को नहीं मार सकता। मित्र, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। हमने संपूर्ण वीडियो का वृत्तांत बोरी क्रिटिकल एडिशन के अंतर्गत द्रोण पर्व के 180वें अध्याय से लिया है। अगर आपको हमारी इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और साथ ही दोस्तों में शेयर कीजिएगा।